गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा। मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल नीतू की रसोई में। आज मैं आपको डिलीशियस मूली के पराठे बनाना सिखा रही हूँ, तो देख लेते हैं हम उसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। ये 2 कटोरी जितना मैंने आटा लिया है, गेहूं का आटा है ये। और अब इसमें डलेगा हमारे 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी सूजी, अजवाइन। मूली के पराठे हैं तो उसमें अजवाइन जरूरी है, और वैसे भी पराठों में अजवाइन का स्वाद बहुत अच्छा ही लगता है। अजवाइन, जीरा, सौंफ, हींग, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्ची। उसके सिवाय मैंने इसमें लिया है धनिया पत्ती, जिसको मैंने धो के काट के रखा है। 1 मुट्ठी मैंने, 1 कटोरी जितना मैंने पालक भी लिया है। मूली के पराठों में पालक का स्वाद भी बहुत अच्छा लगेगा, और मूली के पराठे बना रहे हैं तो मूली तो होगी ही होगी। इस मूली को मैंने धो के साफ कर लिया है, और अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। हाँ, और तलने के लिए तेल और आटा लगाने के लिए पानी। पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा ये पराठों का वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट एंड शेयर। कद्दूकस कर रहे हैं हम। तो ये हमने मूली को कद्दूकस कर लिया है, और इसपे मैंने एक छोटी सी एक मिर्च भी ली। अगर आपके बच्चे ना खाएं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आटे के अंदर हमने जो मूली कद्दूकस कर रखी है, ये हम सारी मूली इसमें डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, ये जो हमने पालक काट रखी थी हम वो भी इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, सूजी डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे, सौंफ डालेंगे, हींग भी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्ची, गरम मसाला। सब डालने के बाद हम इसको एकदम अच्छे से मैश करेंगे। आपकी जो इच्छा हो सब्जियां इसमें आप डाल सकते हैं, ताकि इस पराठे का और ज्यादा स्वाद आए। और आप कुछ ना डालने चाहे तो सिर्फ आप मूली कद्दूकस करके सिर्फ ये सब डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसका धीरे धीरे डो लगाएंगे। कि हमने इसमें सूजी डाली है, तो सूजी को अच्छा फूलने के लिए 10 मिनट हमें छोड़ना पड़ता है। तो हम इसको रख देते हैं 10 मिनट। अब हम इसके पराठे बेलना शुरू करते हैं, बनाएंगे, और हम इसका थोड़ा सा थिक पराठा बनाएंगे और हम इसको बेलेंगे। अब ये पराठे थोड़ा शेपलेस बन रहे हैं, तो एक प्लेट सी है, उस प्लेट को मैंने इस पराठे के ऊपर रख के ऐसे इसका, तो पराठे अगर गोल होंगे, दिखने में सुंदर होंगे, तो वो खाने में भी और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इसका सारा एक्स्ट्रा आटा हटा देती हूँ, और ये एकदम गोल पराठा बनके तैयार है। तवा ऑलरेडी मैंने गरम करने के लिए गैस पे रख रखा है, और अब हम इस पराठे को सेकेंगे। आप उसको एक बार और पलट देंगे, आप देखिए थोड़ा थोड़ा तेल लेके इसको शैलो फ्राई करेंगे, और अब हम इसको पलटेंगे। दूसरी ओर भी हम तेल लगाएंगे और इसको थोड़ा सा क्रंची होने तक पराठों की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।